नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा, आप सब देखते रहिए भोजपुरी बातें बातें। ये सर पे आपा, ये गले में इस तरह के रुद्राक्ष की मालाएं, बेसिकली क्या है ये बदला हुआ अवतार? ये मेरा बदला हुआ अवतार जो है, ये मेरी फिल्म भाग खेसारी भाग का लुक है। और इस फिल्म में मैंने एक पंडित की बेटी का रोल किया है, जो खुद भी पूजा पाठ करवाती हैं, बट शी इज़ डिफरेंट, वो थोड़ी अलग है। और क्या अलग है वो तो खैर फिल्म देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन ये जो लुक है ये आप कह सकते हैं कि आजकल के पंडित का लुक, यो वाला। असल में मैंने पीछे देखा कि आप बुलेट की सवारी कर रही थी। जी, बिल्कुल। इस फिल्म में मैंने काफ़ी कुछ नया नया ट्राई भी किया है, पहली बार मैं बुलेट चला रही हूँ। और अभी आपने ऐसा देखा होगा, चूँकि ये थोड़ा ट्रिकी शॉट है और इसमें बुलेट का ऐसा मतलब रिक की तरह उसको बांधकर और ये सब करके यूज़ किया जा रहा है, बट नहीं, मैंने सही में बुलेट चलाने का शॉट भी दिया है, ये आपको फिल्म में दिखेगा। तो मैंने अच्छे से बुलेट चलाई है पूरे फिल्म में। मुझे ऐसा यहाँ देख के ऐसा लगा कि शायद आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, इसीलिए ट्रॉली शॉट ले रहे हैं। नहीं, ये तो यार परेशान करने वाली बात है, गाड़ी चलाना नहीं आता इसीलिए ऐसे कर रहे। नहीं, इट इज़ अ ट्रिकी शॉट, वो बहुत चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ती हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। और इसके पहले भी जब मैंने बुलेट चलाई थी तो मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, उसमें मेरी टांगें भी टूटी हैं। और 2 महीने इसके लिए मैंने बेड पर इंतज़ार भी किया है वापस। तो इतना सब कुछ होने के बाद अभी फिर से जब मैं बुलेट पे बैठ रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, कहीं सब कुछ सारे इंतज़ाम होने के बाद भी थोड़ा एक डर लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, कब की बात है, कैसे दुर्घटना हुई थी भाई स्मृति सिन्हा के साथ? हाँ, स्मृति सिन्हा के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी। बुलेट ही चलाने का शॉट था और बेसिकली वो नाइट का शॉट था और जो सरफेस था वो इवन नहीं था, तो उस वजह से बुलेट के साथ ही गिर गई थी मैं, और वो मेरे राइट पाँव पे गिरा था और मेरा राइट पाँव फ्रैक्चर हो गया था, तो प्लास्टर लगाकर मुझे रहना पड़ा था लाइक 1 महीना। तो अच्छा खासा उसके बाद एक लेसन ले लिया कि सारे ये करूँगी, काम करूँगी, लेकिन गाड़ी चलाने में थोड़ी सी वो रखूँगी, एहतियात रखूँगी। भाग खेसारी भाग, मुझे बताया गया कि स्पोर्ट्स पर, खेल पर आधारित ये फिल्म है, भोजपुरी में बेसिकली खेल पर आधारित शायद फिल्म बहुत कम बनी है या नहीं बनी है, मुझे पता नहीं बनी है, ये पहली फिल्म ऐसी है जो खेल के ऊपर बन रही है। और सिर्फ मैंने ही नहीं, जैसे मेरा पार्ट मैंने बताया कि मैंने बहुत मेहनत की है, उसी तरीके से खेसारी जी ने भी उतनी ही मेहनत की है। और जब आप उनकी स्टोरी सुनोगे तो वो भी बहुत ही दिलचस्प और बहुत सारे एडवेंचर्स के साथ मिलेगी आपको। तो हम सब ने बहुत मेहनत करके ये फिल्म बनाई है और आज इस फिल्म के शायद मेरा आखिरी शेड्यूल है इस फिल्म के साथ, तो मे बी ये लोग आगे भी शूट कर रहे हैं, लेकिन आज मेरा वाइंड अप होगा इस फिल्म में। खेसारी जी के साथ आपकी एक लंबे समय के बाद कितनी नज़र आएगी, वैसे भी आप खुद भी काफ़ी वक्त के बाद पर्दे पर नज़र आएंगी, ये आपकी कमबैक फिल्म कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इस फिल्म को, जैसा कि मैंने आपको पहले भी हमारी बात हुई थी तो मैंने कहा था कि मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही हूँ जिसमें स्मृति सिन्हा के कुछ करने लायक चीज़ें हों, तो यस, ये वो फिल्म है जिसमें मुझे कुछ अच्छा करना, कुछ डिफरेंट करने को मिल रहा है, तो इसलिए ये मेरी कमबैक मूवी कह सकते हैं आप। कितने सालों बाद जब आप वापस आ रही हैं, खेसारी कितने बदले हुए नजर आए आपको? मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। क्यों? हमारी पता नहीं, अब वो तो आप उनसे पूछिए, मेरे लिए बिल्कुल नहीं बदले हैं, वो जैसे हम पहले मिलते थे, जैसे हम पहले काम किया करते थे, जितनी अच्छी केमिस्ट्री हमारी पहले थी अभी भी उतनी ही अच्छी है, आप उससे भी अच्छी कह सकते हैं। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? जी, इस फिल्म के डायरेक्टर प्रिमांशु सिंह जी हैं, जो मेरे 90% हिट फिल्मों के डायरेक्टर हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि इस फिल्म में फिर से वो तिगड़ी आई है जो खेसारी जी, स्मृति सिन्हा एंड प्रिमांशु सिंह जी, तो ये इन तीनों की तिगड़ी जब जब आती है फिल्म
बाय गॉड ग्रेस सुपर हिट हो जाती है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम तीनों फिर से आए हैं और फिर से काम कर रहे हैं साथ में। और कौन कौन फिल्में आप इसके बाद? मेरी एक फिल्म है परवरिश, जिसमें रितेश पांडे जी, शिविका जी, यश जी और मैं हूँ, तो हम चारों के ऊपर वो फिल्म है और यशी फिल्म्स के बैनर तले है वो फिल्म, और अजय जी उसके डायरेक्टर हैं, अजय श्रीवास्तव। तो वो फिल्म भी लगभग बन के तैयार है और बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसकी अधिकतर फिल्में जो लखनऊ में हुई है, नवाबों के शहर का जाता है, कितनी यादें ताज़ा करना चाहेंगी इस फिल्म के माध्यम से? मत पूछिए यादें, मुझे लखनऊ शहर में सिर्फ अपना एक्सीडेंट याद है। क्योंकि मैंने 3 या 4 दिन ही शूट किया था, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और वो कहते हैं ना, भगवान कभी कभी वो शक्ति दे देते हैं, उस टूटे हुए पैर के साथ मैंने अगले 8 दिन शूट किया है। और हर बार मुझे डॉक्टर्स कहते थे आप प्लास्टर लगवा लीजिए, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ यही था कि एटलीस्ट जो टॉकी पोर्शन है वो ख़त्म हो जाए, तो उसका जो है आगे फिर एटलीस्ट ये नहीं होगा कि फिल्म बीच में बंद हो जाएगी। तो इस थॉट के साथ मैं हर बार डॉक्टर को कहती थी, क्या हम कुछ दिन और रुक सकते हैं, क्या हम कुछ दिन और रुक सकते हैं? तो डॉक्टर वाज लाइक, ये आप अपना रिस्क खुद ले रहे हैं, तो बाद में आपका पैर ठीक नहीं होगा तो मुझे मत बोलना। मतलब आपका एक बहुत बड़ा समर्पण और त्याग इस फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है। कह सकते हैं मैंने अपना खून दिया है इस फिल्म को। जी, तो इस फिल्म को लेकर ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस से तो मेरी यही अपील होगी, प्लीज़ 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 इस फिल्म को देखें और थिएटर में जाकर देखें। यूट्यूब या किसी डिजिटल चैनल पर देखने का वेट ना करें, क्योंकि इस फिल्म में जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी हमने पेन उठाया है जितना इस फिल्म को बनाने के लिए, हालांकि हर फिल्म को बनाने के लिए उतना ही पेन उठाया जाता है, बट ये जो एक समर्पण और त्याग की बात हम कर रहे हैं, मेरे एंड से भी मैंने बहुत किया है, खेसारी जी ने भी बहुत, क्योंकि ये खेल के ऊपर है तो उनको भी एक खिलाड़ी का वो प्ले करना था रोल, तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स तो मेहनत करते ही हैं। तो इस फिल्म को आप जितना अच्छे से पर्दे पर एंजॉय करेंगे, उतना अच्छा आप लोगों को शायद ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ना लगे। तो इसलिए प्लीज़ 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 जाइए और सिनेमा घरों में जाकर पूरी फैमिली के साथ मूवी देखिए। ये मैं हूँ तो ऑब्वियसली फैमिली मूवी होगी। फिल्म के डायरेक्टर साहब से मिलवाना चाहेंगे परिमान सिंह? बिल्कुल बिल्कुल दादा, क्या करें, तो उन्होंने जो फिल्म की मेकिंग की है, जिस तरह से सब्जेक्ट रहा है, क्या करना चाहिए? उनकी पहली फिल्म है, उनका पोर्शन हाउस। हाँ, फिल्म के प्रोड्यूसर जो है वो काफ़ी, उन्होंने, उनकी पहली फिल्म है लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कहीं भी फील नहीं होने दिया कि ये पहली बार फिल्म लाइन में आए हैं या फिल्म बना रहे हैं। और प्लस हमारा ख्याल रखना, जो भी, जैसे मैंने बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन प्रोडक्शन हाउस के तरफ से जो मेरा केयर रखा गया, जो जिस तरीके से मुझे एक तरह से कहा जाए कि मेरा ख्याल रखे हैं, तो टूटे हुए पैर के साथ मैं शूट कर रही हूँ, ये चीज़, वो पेन उनको भी, उनकी आंखों में भी दिख रहा था, तो ही हैज़ ऑल्सो टेकन सम पेन कि चलो ठीक है, हम सब मिलकर एकजुट होकर हमने ये फिल्म बनाई, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। चलिए, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इसकी लगभग शूटिंग पूरी हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? बाकी में जैसा आपने कहा कि भाग्यशाली भाग एक यूनिक, एक अनोखी फिल्म है, भोजपुरी में स्पोर्ट्स पे आधारित, और ख़ास करके जो हमने सब्जेक्ट को चुना स्पोर्ट्स के साथ, एक कमर्शियल चीज़ का जो ब्लेंडिंग है, ये दर्शकों को, मुझे लगता है कि एक नया एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा और काफ़ी रोचक फिल्म लगेगी सबको। जी, कितना अलग हो अब तक जो सिनेमा आपको होते हिट फिल्मों के, आप माने जाते हैं डायरेक्टर, इस फिल्म में कितना अलग देने वाले हैं दर्शकों? देखिए, एज ए डायरेक्टर, एज ए निर्देशक, सबकी कोशिश रहती है कि वो कुछ ना कुछ डिफरेंट दे, मैं भी करते आया हूँ, लेकिन इसकी जो प्रयास है भाग खेसारी भाग, इसको कह सकते हैं कि ये काफ़ी डिफरेंट है बाकी फिल्मों से। जैसे खेसारी जी की पहली फिल्म थी और अब तक लगातार ढेर सारी फिल्में, कह सकते हैं इसमें तीजी और खेसारी जी की, जो अपना सब फिल्में हिट रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे?
खेसारी के साथ तो मेरा जो बॉन्डिंग है वो बहुत पुराना है। हमारे साथ ही हम लोग साथ ही में फिल्म किए थे, पहली फिल्म साजन चले ससुराल, मैं, खेसारी, स्मृति, उनके प्रोड्यूसर अलोक जी थे। इसके प्रोड्यूसर सिर्फ अलग है, बाकी ये जो टीम है खेसारी के साथ मुझे लगता है मैंने 10-12 फिल्म कर लिए हैं, तो बहुत अच्छा रहता है, बॉन्डिंग अच्छा है, ट्यूनिंग अच्छा है, तभी इतना लंबा साथ चल रहा है। और हम लोग साथ में जब जब आते हैं, हम, खेसारी, स्मृति, ये ऐसा मीडिया कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि आप लोग को हिट है, तो वही एक प्रयास है कि स्मृति को इतना दिन बाद फिर से हम लोग लाए हैं, एक तरह से कमबैक है, फिल्म में सब्जेक्ट अच्छी है, जोड़ी रिपीट हो गई, तो उम्मीद करते हैं, उम्मीद तो रखते हैं कि अच्छा हो। जी, खेसारी जी के बारे में बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? खेसारी के बारे में क्या बात करना है, खेसारी के बारे में नया कुछ कहना नहीं है, दिन पर दिन वो इम्प्रूव कर रहा है, मैच्योर्ड हो रहा है, और वो दिख रहा है, उसके फिजिक में मैच्योरिटी दिखती है, उसके एक्टिंग में मैच्योरिटी दिखती है, उसके बिहेवियर में मैच्योरिटी है, और सारी चीज़ों से वो दिन पर दिन और परिपक्वी हो रहा है। फिल्म के प्रोड्यूसर की बात की जाए, पहली फिल्म है उनकी? हाँ, फिल्म के प्रोड्यूसर का नाम है उमा शंकर जी, निहायत ही शरीफ और बहुत ही शांत किस्म के प्रोड्यूसर हैं, जैसे मेरा नेचर है उनके साथ हमारी ट्विनिंग और वेवलेंथ मैच कर रहा है, मैं भी कम बोलना पसंद करता हूँ, वो भी कम बोलते हैं, और फिल्म की जो रिक्वायरमेंट है उसमें उन्होंने कहीं पर कोई कोताही नहीं की है। हमको उस 1000 क्राउड चाहिए तो उन्होंने लखनऊ में स्टेडियम में 1000 क्राउड दिया, जो लोकेशन चाहिए, जैसे चीज़ें चाहिए वो चीज़ प्रोवाइड कराए हैं, तो मैं तहे दिल से उनकी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि भोजपुरी में आज के दौर में ऐसे प्रोड्यूसर की सख्त ज़रूरत है, और ये फिल्म अगर हमारी अपेक्षाओं पे खरी उतरती है तो ऐसे प्रोड्यूसर भोजपुरी में और फिल्म बनाएंगे, जिससे सिर्फ हमारा, खेसारी और बाकी स्टारों का नहीं, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री का विकास होगा। एज ए डायरेक्टर कौन कौन फिल्म आपकी आने वाली है? अभी खेसारी के साथ और एक फिल्म है मेरी, सैया अरब गेलेना, जिनके प्रोड्यूसर अभय सिन्हा जी, दोनों प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली चल रहा है, दोनों का पैचवर्क ही बाकी है, इसका तो बस एक दिन का और काम बाकी है, तो भाग खेसारी भाग कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग दुबई जाएंगे सैया अरब गेलेना का दुबई वाला पोर्शन शूट करने। तो इस साल में दो फिल्में मेरी जो रिलीज़ होगी, एक भाग खेसारी भाग, एक सैया अरब गेलेना, और आगे भी लाइनअप चल रही है जिनके टाइटल फाइनल नहीं है, तो उसके बारे में अभी जिक्र करना बहुत जल्दी हो जाएगी। ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? ऑडियंस से मैं ये रिक्वेस्ट कहूँगा कि ये फिल्म को एक बार ज़रूर देखें, तमाम भोजपुरी में आई हुई फिल्मों के जैसा इसको ना आके, और जो ट्रेलर रिलीज होगा तो ऑडियंस को भी लगेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ कि एक डिफरेंट प्रयास है, एक भिन्न कोशिश है, वो दिखेगा उसमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऑडियंस आए, फिल्म को देखे, सहारे, और फिल्म को सहारने लायक फिल्म हमने बनाया है, इसमें कोई वल्गैरिटी, कोई गंदगी, ये सारी चीज़ों से दूर हटकर एक मनोरंजक और एक मैसेज वाली फिल्म है, जैसे खेसारी चाहता है कि आज के डेट में फिल्म करे तो जिसमें कोई उद्देश्य रहे, कोई मैसेज रहे, तो इसमें भी एक मैसेज इनहेरेंट है, वो मैसेज दर्शकों को काफ़ी अच्छा लगेगा, और कोई प्रीचिंग वाला सब्जेक्ट नहीं है कि मैं दर्शक को टीच कर रहा हूँ, कुछ बताने जा रहा हूँ, बहुत ही सहज सरल ढंग से एक मैसेज को परोसा गया है, और उम्मीद करता हूँ कि अगर दर्शकों को आशीर्वाद मिलेगा तो फिल्म बहुत बड़ी सफल फिल्म होगी। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.